सो गाइस, अपडेट के बाद तो बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, बट आज की इस वीडियो में थ्री चेंजेस दिखाने वाला हूँ जो कि अपडेट के बाद हुए हैं। तो पहला चेंजेस है हमारे स्नोबॉल के ऊपर। तो अभी देख लो कि जैसे ही ये आप लोग ट्रेनिंग राउंड में आओगे यहाँ पे सोशल जोन में, तो आप लोग एक स्नोबॉल करके दिखेगा, तो उसे आप जिसके ऊपर फेंकोगे वो कुछ इस तरह से हो जाएगा जैसे कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हो। सेकेंड, हमारा स्नाइपर नो रिलोड रिमूव। तो आपको तो पता ही होगा कि इस अपडेट के बाद जो हमारा डबल स्नाइपर में आप लोग जो ऐसे धड़ाधड़ धड़ाधड़ मारते थे डबल स्नाइपर से एंड वो रिलोड नहीं लेता था एंड बंदों को पेल पाल के रामपाल बना देते थे, तो वो इस अपडेट के बाद हट चुका है। बट अभी आप लोग देखो कि मैं किस तरह से चला रहा हूँ यहाँ पे एंड मेरा भी रिलोड अभी देख रहे हो नहीं ले रहा है, तो मैं किस तरह से चला रहा हूँ इसकी ठीक अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर देना इस वीडियो पे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अगर आप लोग ज़्यादा बोलते हो तो मैं इस वाले ट्रिक को आप लोगों को बता दूंगा, काफ़ी अच्छा ट्रिक है, आप लोगों को पता चल जाएगा। अभी देखो, अभी हम चलते हैं अपने थर्ड चेंजेस के ऊपर। तो थर्ड चेंजेस हुआ तो ये है कि सबको पता ही होगा, मैंने पहले ही बता दिया था आप देख से पहले कि अभी जो होगा आप लोग क्रोनो के अंदर से मार किसी बंदे को, ए मैं तो प्रो हूँ लेजेंड हूँ, ये चेंजेस काफ़ी सी है गाइस। मतलब जिसके पास गाइस कुछ भी, जिसको कुछ आता ही नहीं था गेम से ना, वो बस शील्ड को यूज़ कर लेता था एंड बंदों को मार देता था एंड खुद को अश्वत्थामा प्रो प्लेयर समझता था। तो ये चीज़ अब हट चुकी है, वो लोग अंदर से अभी नहीं मारते थे, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर रहा था एंड मुझे भी लग रहा था कि हाँ ऐसा कुछ होना चाहिए। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड गाइस अपने भाई का जल्दी से 1K करवा दो, अब तो मैं गाइस डीमोटिवेट सा भी होने लगा हूँ। एंड हाँ गाइस, अगर आप लोगों को डबल स्नाइपर ट्रिक चाहिए तो एक कमेंट बस कर देना एंड मैं वीडियो लेके आ जाऊँ।